मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ताजा बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील की है कि वह सत्यपाल मलिक से सबक लें। उन्होंने कहा कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने बेनकाब कर दिया है और उन्होंने जो कहा वह सच है। किसानों को लेकर इस तरह का असंवेदनशील बयान एक अहंकारी और तानाशाही सरकार का मुखिया ही दे सकता है। सत्यपाल मलिक को सच बोलने के लिए बधाई। पटोले ने कहा कि वे सत्यपाल मलिक को सच बोलने के साहस के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी में किसी में भी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। मोदी व कैबिनेट सहयोगी और बीजेपी के सभी नेता मोदी के सामने मौन होकर सिर झुकाते हैं। हालांकि सत्यपाल मलिक ने साहस के साथ सच कहने की बड़ी हिम्मत दिखाई है। इससे पहले मलिक ने किसानों के आंदोलन और कृषि कानूनों पर भी कड़ा रुख अख्तियार किया था। पटोले ने कहा कि शहीद किसानों के बारे में मोदी का बयान परेशान करने वाला है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा क्रूर निर्दयी व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास किसानों के लिए खेद महसूस करने का कोई कारण नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसानों को भारी ठंड और बारिश में अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कोश्यारी सच्चाई का पक्ष लें, संविधान के सिद्धांतों के अनुसार काम करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।